रीच। ओ भाई साहब, चले है सब रेड़ी भंडारी, अपुन चला है जम के, अबे चले सब ऐसा लग रहा है रेड़ी कवाली में झूम रहा है। भंडारी। नाक लग रहा है अबे भाई। ये तो बिल्कुल ब्लैक कलर का खतरनाक रीच है यार। अगर आप लोग कमेंट में बोलो ना तो आपका भाई अगले व्लॉग में इस रीच के साथ इंटरेक्शन करेगा, मतलब आपका भाई इसके केज के अंदर जाएगा। ओ भाई 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 साहब, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई। यार आप चेक करो, बिल्कुल ना रुई की तरह है ये, देखो बिल्कुल रुई की तरह वाइट वाइट। माशाल्लाह माशाल्लाह, अम्मा भी इसकी आ गई हैं। भाई किसी गांव में एक लड़का रहा करता था, लड़का बेहद शरारती था, मतलब लड़के को हर वक्त चुल रहा करती थी कि कुछ ऐसा करो कि गांव वालों में मेरा नाम हो। अबे ये क्या हुआ? लड़के वालों को चुल रहती थी। अबे यार स्टोरी सुनाने दे दो यार, नहीं करो यार। अबे एक पेशाब कर रहा है, एक पंजे मार रही है, पता नहीं क्या सीन कर रहा है। अबे भाई खुदा के लिए स्टोरी सुनाने दे दो, सही है? मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा यार, और कितने गुस्से से देख रही है मुझे ये। वो इसलिए गुस्से से देख रही है, ये लोग इधर अपना रोमांटिक माहौल बना के बैठे हुए, तुम आ गए। और दूसरी बात ये कि मैं स्टोरी पे शेर वाले सुनाने वाला हूँ, इनकी हट रही है कि हमारी स्टोरी क्यों सुना रहे हो तुम। बस ओ बाबा 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 बाबा, अबे भाई अबे भाई अबे भाई अबे भाई, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बस ये चाहिए तुम्हें, मुझे लग रहा है इस पे आ रही है, इसको खेलने के लिए चाहिए। भाई किसी गांव में एक लड़का रहा करता था, लड़का बहुत शरारती था, लड़के को मतलब हर वक्त चुल रहा करती थी कि मैं कुछ ऐसा करूं कि गांव में मेरा नाम हो जाए। तो एक दिन ना, ओ भाई साहब क्या हो गया है? उसका शौहर भी आ गया यार। उसको अपने शौहर से ज्यादा मिश्कात में आप में इंटरेस्ट नजर आ रहा है, मुझे यही लग रहा है। भाई देखो एक कहानी सुना रहा हूँ, सही है? अच्छा तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ, मैं ऑडियंस को नहीं सुना रहा, सही है? देखो भाई किसी गांव में एक लड़का रहा करता था, सही है? लड़का बहुत शरारती था, लड़के को हमेशा ये होता था कि यार मैं कुछ ऐसा नाम करूं कि मतलब मेरा नाम हो जाए। तो लड़के ने एक दिन प्लान किया, एक दिन उसने जाके नारा लगा दिया, बोला शेर आया शेर आया शेर आया, बचाओ बचाओ बचाओ। तो गांव वाले सारे के सारे जमा हो गए, गांव वालों ने कहा कि शेर आ गया, हाँ असली में आ गया अब तो। गांव वाले सारे बचाने पहुंच गए। जब गांव वाले पहुंचे तो वहां देखा कोई शेर वेर का सीन ही नहीं था। लड़का कह रहा है कि यार मैं तुम लोगों के साथ प्रैंक कर रहा था, कैमरे में देख के हाथ हिला दो। गांव वालों ने उसको इतनी गंदी गंदी गालियां दी और गांव वाले चले गए अपना गांव के अंदर। कुछ दिनों बाद लड़के को दोबारा चुल सूझी, उसने कहा कि मैं दोबारा प्रैंक करता हूँ, बड़ा मजा आया था पहली दफा। लड़के ने दोबारा नारा लगा दिया, भाई शेर आया शेर आया शेर आया। गांव वाले सारे भागते हुए दोबारा जमा हुए लड़के को बचाने के लिए। जब वहां पर पहुंचे तो वहां पर कोई शेर का सीन ही नहीं था। तो गांव वालों ने दोबारा लड़के को गालियां दी और अपने गांव में वापस चले गए। तीसरी बार लड़के ने सोचा कि दोबारा प्रैंक किया जाए, दोबारा लड़के ने नारा लगाया, शेर आया शेर आया शेर आया, बचाओ बचाओ बचाओ। गांव वालों ने सोचा कि लड़का दो बार तो प्रैंक कर चुका है और हमेशा हमारे साथ मजाक करता है, इस बार इसको बचाने जाना ही नहीं है। लेकिन उस बार असली में शेर आ चुका था और वो लड़के को पकड़ा हुआ था। लड़का चीख रहा था कि शेर आया शेर आया शेर आया, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन उसको बचाने कोई नहीं आया। तो भाई ये कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि कराची में वाकई में शेर आ चुका है और सड़कों में घूम रहा है, रोडों में निकल रहा है, लोगों पर हमला कर रहा है। मतलब ऐसा सीन आज तक कराची में नहीं हुआ। तो भाई इसके पीछे क्या रियलिटी है, क्या हुआ था वाकया, वो आपको आज हम सुनाएंगे। वैसे इसके पंजे कितने प्यारे प्यारे हैं। अरे भाई साहब अरे भाई साहब अरे भाई साहब, क्या वो क्या वो क्या ओके ओके हाँ सही है सही है। अच्छा हाथ मिलाने आओ, हाथ मिलाओ, आ जाओ हाथ मिला लो। यार मुझे लग रहा है शेर ना फुल आज खेलने कूदने के मूड में और बहुत ज़्यादा मस्ती में लग रहा है। स्पेशली ये शेरनी जो है ना इतनी मस्ती में अभी आपका भाई यहाँ पर बैठेगा, देखना किस तरह भागती हुई आपके भाई को प्यार करेगी। और इसने तो मेरे ऊपर पेशाब किया है, गंदे बच्चे मेरे ऊपर तुमने दो बार पेशाब किया है। मैं बैठूंगा सही है, मेरे ऊपर आएगी शेरनी, शॉट बनाना है सही है। कुछ हो गया नहीं, कुछ भी नहीं होगा, मैं शॉट बनाते रहूंगा, बचाऊंगा। नहीं नहीं आपका भाई ना यहाँ पर बैठा हुआ है और शेरनी आने वाली है पीछे। आई आई आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही तैयारी पर है। अरे भाई साहब आएगी 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 आएगी, डर लग रहा थोड़ा सा, आगे हो जाओ। नहीं नहीं ओ भाई साहब ओ भाई साहब, ये क्या हुआ ये क्या हुआ, ये चक्कर मुंह कैसे खोल रहा है? अरे भाई साहब समझा शेर समझा मेरे ऊपर आ रही है। अच्छा शेर ने उसको डराया, कहानी खत्म हो गई। अरे भाई साहब मुंह चेक करो यार, कितना बड़ा मुंह खोल रहा है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई भाई, सेकंड अटैम्प सही है भाई। शेरनी आने वाली है आपके भाई के ऊपर और अभी पकड़ने वाली है, चेक करना। घात लगा ली घात लगा ली घात लगा ली घात लगा ली। अबे पेशाब, अबे पेशाब, अबे यार के पास जा रहा हूँ ना, जल तप रहा है पूरा किलो भोजन से। देखिएगा मिश्कात भाई आपके मुंह में किस तरह गया है। अरे यार एक शॉट नहीं बनाने दे रहा यार शेरनी के साथ। यार बादशाह व्हाट द बिहेवियर यार,
देखो तुम्हारी शेरनी मुझसे खेलना चाह रही है और तुम मेरे मुंह पे आके पेशाब कर रहे हो। बैठो बैठो बैठो, आएगी मेरे ऊपर। हाँ, आएगी आपके ऊपर। अबे 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 पेशाब दोबारा। अबे मेरे ऊपर ही मार रहे। अबे कैसा है यार ये, कैसा शेर पाला हुआ है ये मुझे। अच्छा घर वाले के चक्कर में कर रहा है, घात लगा दी। ओ भाई साहब, 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 ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ शेर भी आ गया, शेर भी आ गया। ये शेरनी खेलना चाह रही है वैसे। मिशकात भाई ट्राइसेप कट रहा है, फुल खतरनाक। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, आओ आओ, चलो मैं बैठा हूं ना, आ जाओ, आओ पकड़ो मुझे, पकड़ो पकड़ो। ओ भाई साहब, आ जाओ, आओ हाथ मिलाते हैं, आओ 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 भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई, ये चेक करो, माशाल्लाह माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह। अबे भाई, अबे भाई, अबे भाई, यार कराची में कल एक बड़ा अजीब सा वाकया पेश आया कि मतलब शेर जो है ना कराची की गलियों में रोड पे खुल चुका था और काफ़ी ज़्यादा उसने नुकसान भी पहुँचाया। मतलब जानी नुकसान तो नहीं पहुँचाया लेकिन लोगों में एक खौफ हिरास वो फैल गया था और लोग काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो गए थे क्योंकि शेर इस तरह आज़ाद घूम रहा था लोगों के दरमियान, बाइकें भी खड़ी हुई हैं, गाड़ियाँ भी जा रही हैं, उसके दरमियान शेर जा रहा है। शेर जो है ना वो हमेशा फार्म पे पालना चाहिए, ब्रीडिंग फार्म होता है ना उस पे पालना चाहिए, शेर कभी भी घर वर के अंदर पालना नहीं चाहिए। समझ में नहीं आई, ये तो मेरे माँ बाप ने घर में पाला है। देखो गधा हमेशा घर पे पलता है क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था ना हॉस्पिटल में, पूरी रात से जो है ना उस हॉस्पिटल में जो है ना लड़कियाँ पैदा हो रही थी, कोई लड़का पैदा नहीं हुआ था। अच्छा, तो तकरीबन 24 घंटे होगा जैसे ही मैं पैदा हुआ ना, डॉक्टर ने कहा खतरा पैदा हो गया। भाई सीन ये है कि कल जो है ना जब शेर आज़ाद हो गया ना तो रोड पे निकल गया था, काफ़ी ज़्यादा कराची में वीडियोस वायरल होने शुरू हो गई, लोगों में खौफ और हिरास फैल गया कि यार शेर कराची की सड़कों में निकल चुका है। तो काफ़ी लोग इसको एंजॉय भी कर रहे थे और वीडियोस शेयर कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोग शेर को देखने पहुंच रहे हैं कि यार हम शेर को देखेंगे लाइव रोड पे कैसे घूम रहा है। मतलब हमारी पाकिस्तानी कौम ना, मतलब सैलाब हो रहा होता है तो वहाँ पहुँच जाते हैं समुंदर के पास ही और सैलाब को देखेंगे। मतलब यार अल्लाह का खौफ करो भाई, ये सब चीज़ें खतरनाक होती हैं, ऐसा मत करो। तो भाई सीन ये है कि वाइल्ड लाइफ वालों ने फ़ौरन एक्शन लिया, उसके बाद जो हसन भाई हैं जिनका ये फार्म है वो फ़ौरन से गए, अशर भाई गए, बाकी जो और वाइल्ड लाइफ के लोग थे वो सारे के सारे पहुंचे, उन्होंने फ़ौरन से शेर को पकड़ के फ़ौरन से महफूज जगह पे मुंतकिल कर दिया। तो ये भंड ये कर रहे थे कि यार वो शेर को लेके जा रहे थे एक ऐसी जगह पर जहां पर रिहायशी इलाका है। भाई रिहायशी जगह पे तो कुत्ते ही पलते हैं। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ ना भाई, जब मैं युगांडा में था, युगांडा के जंगलों में मैंने बहुत शेरों को करा। अच्छा, क्योंकि बकायदा गन आती है भाई, आप उससे इनको बेहोशी का इंजेक्शन दो, एक घंटे तक शेर बेहोश रहेगा, फिर आप मुंतकिल कर दो। दिस इज कॉल्ड अ ट्रीटमेंट। मुर्गी के पिंजरे में शेर को लेके जाओगे आप तो वो तो पक 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 करके उड़ेगा ना। कल जो शेर को मुंतकिल कर रहे थे ना, मुर्गी के पिंजरे में कर रहे थे यार, मतलब बिल्कुल ही नॉन सेंस वाली चीज है। भाई आपका भाई भी जितना एडवेंचर करता है ना, सारे के सारे बड़े एहतियात के साथ करता है और हिफाजती इकदाम के साथ करता है, इसलिए आपको मतलब मुझे देख के कभी शौक ना चढ़ेगा यार मिशकात भाई कर रहा है हमें भी करना है। ये जो फार्म है ना यार, इतना VIP फार्म है कि यहाँ पर आके ना मतलब जानवरों की बाहर है हर तरीके के जानवर। ये देखो ऑस्ट्रिच घूम रहा है लेकिन ये बड़ा खतरनाक है, लात भी मारता है बड़ी खतरनाक किस्म की। ये देखो ये देखो ये देखो अटैकिंग मोड पर आ रहा है। यार ये वाली बच्चियाँ चेक करो, माशाल्लाह यार कितनी बड़ी बच्ची है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये है भी शरीफ, क्या बात है यार क्या बात है। उसामा वो वाला कौन सा है, खुराट वाला, ये वाला है ना, ये बहुत खतरनाक है यार, ये वाइट वाला बहुत खतरनाक है, ये वाला भी बहुत ओह ये चेक करो ये चेक करो ये चेक करो, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई साहब ओ भाई साहब ओ भाई साहब, अबे भाई साहब सारे के सारे खुराट जानवर है। ये देखो ये गुस्से में आ गया, उस्ताद 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 उस्ताद, बस 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 उस्ताद, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता उस्ताद। अल्लाह चेक करो यार, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई भाई बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है। अच्छा ना बस सही है भाई, क्या हो गया, माफ़ी यार माफ़ी। ये देखो ये देखो ये देखो फॉरन अटैक पे आ गया, लेकिन आज शरीफ हो गया यार, ये आज शरीफ हो गया। उसको पता है ना आप शेर के पास से होकर आए। यार मैं अब आपको एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ कि मतलब आपको देख के इतना प्यार आएगा, इतना प्यार आएगा, क्योंकि शेरनी ने यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे दिए हैं और बिल्कुल वाइट कलर के बच्चे, वाइट लायन इस केज के अंदर है माशाल्लाह। बच्चे कहाँ हैं, अरे भाई साहब माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वो देखो उसकी अम्मा आ गई। भाई माशाल्लाह आपका भाई आ चुका है शेरनी के बच्चों के पास, ये चेक करो, ये जो शेरनी है ना इसने प्यारे प्यारे बच्चे दिए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह यार बच्चों को प्यार कर रही है। मेरे ख्याल से जब दूध पिलाना होता है ना उस वक्त शेरनी को अंदर लाते हैं या बच्चों को खोलते होंगे। ये वाला तो इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है माशाल्लाह, अरे भाई साहब मुँह खोल रहा है यार। आप चेक करो बिल्कुल यार रुई की तरह है, ये देखो बिल्कुल रुई की तरह वाइट वाइट, माशाल्लाह माशाल्लाह, अम्मा भी इसकी आ गई हैं, माशाल्लाह कितने प्यारे बच्चे हैं। अच्छा इसमें मेल कौन सा फीमेल कौन सी है, ये बड़ा वाला है ना वो आपके पास, ये मेल है, मेल है और ये मतलब बब्बर शेर बनेगा बड़ा फुल बालों वाला। इनका नाम वाम रखा है नहीं, अब
अच्छा चलो इनको गोलू मोलू कह लेते हैं। एक लड़की एक लड़का है भाई। अच्छा गोली मोली नहीं शीला। शीला की जवानी। शीला और रंगीला। शीला और रंगीला। ये क्या रंगीला है यार, अजीब सा नाम लग रहा है शेर का। रंगीला शेर का भरम वाला होना चाहिए, कोई बादशाह सुल्तान कोई टीपू सुल्तान। इसका नाम है टीपू सुल्तान और आपका नाम है टोपा सुल्तान। टीपू सुल्तान टोपा सुल्तान। हाँ सर्दी आने वाली है, मेरा टोपा ले ले। ये तो भागने लग गया फौरन से। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह चेक करो यार कितना प्यारा लग रहा है, बिल्ली का बच्चा लग रहा है ये तो। यार कितना प्यारा है यार ये वाला, बहुत प्यारा है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये शेरनी है। वो शेर के पास जाने के बाद ना ये हालत होती है, पूरी बॉडी की हालत ना, सारे जिस्म में मेरे बाल ही बाल हैं शेर के। इसके नाखून दिखाता हूँ मैं आपको। वो बटन दबाएंगे ना नाखून बड़े हो जाएंगे। ये देखो नाखून बाहर आ रहा है, ये देखो नाखून बाहर आ रहा है भाई। ये चेक करो शेर का बच्चा लेके जा रहे हैं ना, सामने से उसकी माँ आ रही है। चलो भाई अम्मा के पास जाओ। अम्मा आ गई। हाँ अम्मा वेट कर रही थी भाई। अरे भाई साहब ये क्या है, रीच। ओ भाई साहब, अबे रीच, अबे भालू बेर। चेक करो भयानक खतरनाक लग रहा है। ये तो बिल्कुल ब्लैक कलर का खतरनाक रीच है यार। भाई अगर आप लोग कमेंट में बोलो ना तो आपका भाई अगले व्लॉग में इस रीच के साथ इंटरेक्शन करेगा, मतलब आपका भाई इसके केज के अंदर जाएगा। अगर 1000 कमेंट आ गए तो आपका भाई जाएगा। भाई जाना है यार, फटाफट कमेंट करो भाई जाना है। हाँ हाँ ताकि तुम्हें यूट्यूब चैनल मिल जाए मेरे मरने के बाद। नहीं 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 ऐसा आप गलत सोच रहे हो, ये बुरी बात है। मैं चाह रहा हूँ कि आप ऐसे ऐसे काम करो जो किसी ने नहीं करो। और आपको पता है अभी एक हफ्ते बाद हमें डायनासोर के पास भी जाना है। डायनासोर? हाँ डायनासोर जिंदा ही नहीं है भाई, वो उसका नाम है फोस्टोफोरस। वो चेक करो हाइनास बैठे हैं। अरे भाई साहब सही है भाई, यहाँ पर जो है ना रीच आएगा प्रॉपर तरीके से। अभी इसको फिलहाल नाइट रूम में बंद किया हुआ है और आगे जो है ना इसके बाद वो अलग ही लेवल की चीज़ है। अच्छा रीच नहाता भी है, नहाता भी है रीच। इसके लिए ये पूल बना रहे हो? सही 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 सही, ज़बरदस्त यार माशाल्लाह। ओ भाई साहब इतने बड़े मगरमच्छ यार, साइज चेक करो यार आप, कितने बड़े जाइंट मगरमच्छ है भाई, डायनासोर की तरह यार ये तो है। आधा आधा अंदर है, आधा जहाँ से तुम चढ़ के आए ना इसके नीचे है। शादी भी चलो सामा फेंकता हूँ फेंकता हूँ, अभी शादी भी नहीं हुई है यार। आधा हमारी सीढ़ी के नीचे इधर है नीचे, और आधा इधर है। चेक करो यार आप बस कितना बड़ा यार ये। अब हम जाने वाले मगरमच्छों के केज के अंदर, मोबाइल में मैं आपका बहुत अच्छा शॉट बनाऊंगा। अबे यार उसामे ये क्या है यार, तुम सिर्फ शॉट बनाने के लिए हो निष्कात भाई। शॉट बनाते हुए ना तुम दुआ करते हो, या अल्लाह अल्लाह करे इसको मर जाए मेरा यूट्यूब चैनल मिल जाए, 1 मिलियन सब्सक्राइबर अभी फ्री फंड में मिल जाएंगे। कैसे मिलेगा, मेरे पास पासवर्ड वासवर्ड थोड़ी है यार। मोबाइल तो तुम्हारे पास ही है ना, पासवर्ड निकाल लोगे तो। चलो चलो भाई एक बार तुम अंदर जाओगे पहले, मैं बाद में जाऊंगा, खत्म बात। बहुत मैंने एडवेंचर कर लिया। बंदर नहीं है यहाँ पे, मगरमच्छ है। क्या बंदर बंदर कर रहे हैं यार उसामा, पागल है। मगरमच्छ के केज के अंदर कौन जाता है यार? अबे यार क्या क्या करवा रहे हैं मुझसे ये लोग, मतलब मरने के सारे इंतजाम हमने किए हैं भाई। गेट भी खोल दिया भाई ने। वैसे तो ये सुस्त पड़ा हुआ है लेकिन जब ये भागता है ना तो ये 220 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। नहीं करो यार। हाँ भाई ऐसा ही है ना, इतना तो नहीं। उसामा अल्लाह हाफिज। मिश्कात भाई नहीं करो यार। अबे अबे कुंडी लगा दी। अबे सॉरी मगर मैं अंदर है, उसामा अंदर है। मुझे बोला एडवेंचर करो, ये करो वो करो है। यार आपकी शादी हुई थी, मेरी शादी नहीं हुई थी भाई। अरे भाई साहब, अरे भाई मुंह खोल लिया पूरा का पूरा। ये चेक करो भाई जान, पूरा मुंह मगरमच्छ का। ओ भाई आगे आ रहे आगे आ रहे आगे आ रहे। पानी में जाएगा ना, ये पानी में जाना चाह रहा है मुझे लग रहा है। ओ भाई 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 उस्ताद। अबे ये चेक करो मगरमच्छ ही मगरमच्छ। ओ भाई 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 साहब।